बात सुन, ये ना मेरा बंदा है ठीक है, और आज के बाद ना इसके पास आसपास दिख मत जाइयो वरना तुझे वहीं आके बताऊंगी, समझ में आई? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? होप सो अच्छे हो गए। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, रिएक्शन बहुत प्यारा है, होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और यार शेयर कर दिया करो, मज़ा आता है यार। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। हे हाय हाय, माय नेम इज यश, योर नेम? क्या सिटे हो? ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो बहुत दूर से, मैंने सोचा ये लड़की परफेक्ट होगी। ऐसा क्या और मतलब सारी देख चुका हूँ मैं, तो फिर भी मुझे लगा कि यही वाली परफेक्ट है। ऐसे ही मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी? अरे मतलब फेक गर्लफ्रेंड के लिए मैं बताता हूँ यार, एक सिनेरियो है छोटा सा और एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और सिनेरियो ये है कि यार मैंने कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की है ना, वो मेरे जबरदस्ती पीछे पड़ी हुई है। वो मुझे ना ओपन चैलेंज देती है कि तुम मुझसे अच्छी लड़की ला के दिखाते जिस दिन, मैं उस दिन तेरे को छोड़ दूंगी। मतलब वो ना स्वैग में रहती है, वो सोचती है कि वही सब कुछ है, वो सोचती है कि उससे प्रो लेवल लड़की मिल ही नहीं सकती है। और मैं उससे हजार बार बोल चुका हूँ यार मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ छोड़ दे। कह रही तेरी जिंदगी में कोई और है नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तो अब पता है मैं एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ, इसीलिए मैंने देखा कि सब लड़कियों को यही लगता है क्या? हाँ ये लगता है ना, तो ये उसकी गलत फहमी है, मिटाना चाहता हूँ। एक पता है एक छोटी सी वो करनी है आपको मेरी हेल्प, ऐसे मतलब विल यू प्रिटेंड टू बी माई गर्लफ्रेंड? पता है क्या करना, बस एक हम ना एक वॉइस में ऑडियो मैसेज वीडियो मैसेज बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे अच्छा सा, ताकि हम उसको भेज सकें। क्योंकि अभी तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, दूर रह रही है, लेकिन फिर भी बार बार कॉल करती रहती है, कॉल करती रहती है। अब मैं उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि नोट्स लेने होते हैं ना, इसलिए है। ये भी एक सच है, लेकिन वो जबरदस्ती यार वो प्यार वाला सेप्पा डाल रही है। अब मैं उसको बोल चुका हूँ कि मेरे पास है, मेरी बहुत खूबसूरत बंदी है, तू सोच नहीं सकती, मतलब एकदम हूर की परी लगती है, और उसके बाल तो बस पूछो मत। मैं बहुत सारी तारीफ कर चुका हूँ, आज जो मेरे दिमाग में एक वो है ना विजन है, सेम मुझे आज दिख गई कि हाँ वैसे ही लड़कियाँ होती ही है जैसे तुम हो। तो मतलब तुम वो ऐसी दिख रही हो, अब मुझे पता है तुम उससे बहुत प्रॉब्लेबल हो। क्या फ्लर्ट नहीं कर रहा? मैं सच बता रहा हूँ, अपनी हेल्प करवा रहा हूँ यार तुमसे, ऐसा बोल के ना मस्का लगा रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसा है वैसे, रियल में भी यू आर सो ब्यूटीफुल, वरना इतनी सारी में मैं नहीं आता तुम्हारे पास में। बनवा दोगे मेरा वीडियो मैसेज? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो क्या हो गया यार, ये ना हम थोड़ा वो रखेंगे ना, छिपा के रखेंगे ना, ना तुम उसे बताना ना मैं उसे बताऊंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? है सच्ची या हंस रही हो? नहीं है? अरे सही, वो तो वीडियो की वजह से कर रही होगी ना कि हाँ वीडियो बनेगी तो बचने के लिए। देख लो यार, अगर लगता है तो कर दो हेल्प, नहीं तो कोई बात नहीं। और भी चीज़ें ले लो आप, और कोई मुझे मिले नहीं ना यार, इसलिए वो डिजर्व नहीं करती थी। मेरे माइंड में जो पर्सनैलिटी बनी है ना, वो मेरे सामने बैठी हुई है। ऐसा ही है यार, क्यों गरीब लड़का तारीफ कर रहा है, अजीब लग रहा है क्या? मतलब अभी कोई रॉयल्स रॉयस या मर्सिडीज से उतरता वो बोलता तो एकदम ऐसा कुछ होता। डोंट वरी, हम 12 प्रो मैक्स से बनाएंगे वीडियो यार। इफेक्ट लगा के भेज दूंगा मैं, अगर थोड़ा तो मैं लग रहा होगा ना कि हाँ मैं 19-20 हूँ पक्का। योर नेम? करिश्का। अच्छा करिश्का, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे दिखाना कि हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना पक्का। मैं ऑन कर लेता हूँ इसका वीडियो मोड। सेल्फी, ठीक है। क्या बोलूं, मतलब कि क्या बोलना है? अब उसको ना ऐसे धमकी देनी है कि हाँ ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है और आज के बाद ना इससे दूर रहनी, तेरे को समझ नहीं आ रही है इतने दिनों से ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कॉलेज आ गई ना वही मारूंगी तेरे को। मतलब जितनी धमकी देनी है ना, जिंदा धमकी दे देना, जिससे लगता है ना स्वैगी वाली लड़की एकदम, मतलब अलग ही प्रो लेवल अवेज, कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके करें स्टार्ट। वो कहते ना वो सुन ले अच्छे से। हेलो, मेरी बात सुन, ये ना मेरा बंदा है ठीक है, और आज के बाद ना इसके पास आसपास दिख मत जाइयो वरना तुझे वहीं आके बताऊंगी, समझ में आई है? और मैं तेरे से बोल रहा था ना, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है, तू देख ले, तुझसे बहुत ज़्यादा प्यारी है, और हाइट की तो तू बात ही मत कर, हाइट तो बहुत ही अच्छी है, हाइट भी दिखा दूँगा खड़े होकर, देख कहाँ तक आती है, खड़ी हो ना जरा, ये देख ले यहाँ तक आ रही है, और तू कितनी छोटी सी है, तो ज़्यादा ना बना कर अपने आप में, और बोलो इसको ना ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा दिख मत जाना इसके पास पार्टी। गाली वाली आती है? गाली वाली भी दे दो इसको। लानत आती है, लानत फेंक दो। लड़कियों की लड़की को गाली गाली नहीं देते, चलो ठीक है लानत फेंक दो इसके ऊपर, लानत है तुझ पे, लानत है तुझ पे। देखिए यार प्लीज यार मेरा पीछा छोड़ दियो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यही वो है, अच्छा रख लेता हूँ, यही मेरी बंदी है तो, और मैं इसकी वजह से तेरे से दूर होना चाहता हूँ, प्लीज चेप मत हुआ यार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, गलत बात होती है ना चेप होना। और क्या,
ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार। अब ना मैं इसको सेंड कर दूंगा और ये आराम से मेरा पीछा पीछा छोड़ देगी यार। मेरे को तो नहीं लगता छोड़ेगी भाई, वो भी तो हूर की परी है। नहीं कहाँ हूर की परी है यार, ठीक ठाक है सर। नहीं मेरे लिए क्यों होगी यार, मैं उसके लिए हूर का परा हूँ। जबरदस्ती चेप होती जबरदस्ती चेप होती है मेरे से, मेरे दिल में ना कुछ भी नहीं है उसको लेके। पक्का 100% बता रहा हूँ मैं, जब भी तो तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा था ताकि उसको भेज दो दिखा दूँ। और इतने पूरे बार में मुझे तुम्हें सबसे बेस्ट लगी, और जो हाइट भी मैच कर रही है हमारी तो इसीलिए मैं वो उसके नहीं इतनी सी हाइट है और लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं इतनी होती है यार, इतनी छोटी लड़कियाँ होती हैं वो, उसकी इतनी सी हाइट है, बच्ची तो नहीं है वो होगी 24 ईयर्स की, बच्ची तो नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ यार। नाइस यार, अच्छा लगा आपसे मिल के। अब मैं खुश हूँ कि हाँ फाइनली मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं अपने लिए देखूंगा। ब्रेकअप हो जाएगा ना, तो गर्लफ्रेंड थी आपकी या फिर वो आपकी? अरे वो चेप हो रही है, पीछे हो रही है, पड़ी हुई है बस यार, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बट थैंक्स इस हेल्प के लिए यार, एंजॉय योर डे यार। कैन आई गेट योर नंबर? हाँ ले लो यार, लिख लो आराम से। हाँ हाँ लिख लो यार, मैं कभी मुझे बात करानी पड़ जाए तो फिर अच्छा लगेगा ना यार। हाँ जी मेरा वो पूछ लेगी बात कराना अपनी बंदी से, तो मैं कॉन्फिडेंस में ले लूंगा ना तुमको। ठीक है सुनो नंबर, देखो मैं टाइप कर देता हूँ। ओके थैंक यू, सिंपल है, याद भी रहेगा। एंजॉय योर डे यार, बाय। मैं अभी आता हूँ वैसे ना, कुछ लेके चाय कॉफी आपके लिए, बैठो जब तक। कॉफी कौन सी पियोगे, कोई सी भी? ठीक है यार, मैं सोच रहा था कॉफी लेने से बढ़िया है मैं तुम्हें साथ लेके ना चल लूँ, वो बेटर नहीं रहेगा कि हम साथ में चल के पी लेते हैं? नाउ चलते हैं, यहीं से बाहर निकल लेते हैं ना, एग्जिट कर लेते हैं। वाली मैं सोच रहा था एक चीज़ और बता देता हूँ यार, एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था। माय नेम इज यश चौधरी, कैमरा इज देयर। सीरियसली यार गुस्सा तो नहीं आ रहा? तो कोई बात नहीं, नंबर तो जेन्युइन है यार, और गर्लफ्रेंड भी नहीं है, सिंगल आदमी हूँ यार मैं, दोस्त रह सकते हैं। नहीं दोस्त तो रह सकते ना, क्यों प्रैंक करने वाले बंदे किसी के दोस्त नहीं हो सकते, होते हैं। तो पूरी जिंदगी प्रैंक करते रहोगे? हाँ काम है मेरा। वेल कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे डालू ना डालू, डाल दूँ देख लो सोच लो, आप कहोगे तो पक्का हाय तो कर दो, स्माइल तो कर दो यार, देखना कटने के बाद कोई स्माइल नहीं करता, अच्छा नहीं लगता ना यार, कर देनी चाहिए ना, इतना प्यारा मुंह है। हाँ मतलब आप ही का कटा ना, जब प्रैंक आपके साथ हुआ है तो कटा नहीं है। अच्छा नहीं कटा, चलो ये अपने आप को जब मतलब कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है इसमें। चलो एनीवेज गाइज, मैं इनको कॉफ़ी पिला के लाता हूँ, शाम हो रही है तो पिला देनी चाहिए कभी कभी यार, क्योंकि ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनके वैसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बन जाती हैं। बाय।